Hello everyone, this is Arjun, a proud FinTrammer and a faculty for Financial Accounting. Welcome to FinTram's Financial Accounting Memory 8 series. As you know, there are so many topics and concepts in financial accounting which is hard to memorize, and it is really important for the purpose of financial accounting exam. So what FinTram has done, we have created some short videos that will help you to memorize such concepts, and it will also help you when you're about to take your exam to get a quick review. So let's see what our today's topic is all about. Sorry for interruption, but do you know what is the difference between you and the more awake version of you? Your more awake version would subscribe to our channel FinTram Global and press the bell icon. For keep getting these videos and these updates, subscribe to our channel and press the bell icon right now. Our today's topic is about mechanics of consolidations. जो हमारा consolidation topic है, हमारे financial accounting का बहुत important topic है. Consolidation बहुत new topic भी है और काफी interesting topic है और काफी सारी चीजें इसके अंदर include हैं. इसको हमने बहुत detail में cover किया है अपने lectures में और उसमें काफी सारे questions देखे हैं अपने question marathon में. तो जो हमारा कंसोलिडेशन होता है, कंसोलिडेशन से रिलेटेड कुछ स्टेप्स होते हैं. जब कंसोलिडेशन होता क्या है, आपकी एक पेरेंट है कंपनी और एक सब्सिडरी कंपनी है. आप इन दोनों को मैक्स करते हैं, इन दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक यूनिट करके एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं और इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब इसको क्रिएट करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं. वो कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो आज हम डिटेल में अच्छे से देखने वाले हैं, क्योंकि यही स्टेप्स हैं जो आपको अच्छे से बहुत ज्यादा मार्क्स दिला सकते हैं. तो सबसे पहले हमारा स्टेप्स क्या है इसमें, सबसे पहला स्टेप है हमारा establish the group structure. Establish the group structure means आपको group structure create करना है कि parent ने एक subsidiary को कौन सी date पर acquire करा है, उसका कितना percentage acquire करा है, उसके company के ऊपर एक subsidiary company के ऊपर parent का कितना control है, क्या वो 51% है, 55% है, 75% है, क्या उसको ईयर एंड होने से पहले ही उसको एक्वायर कराए या ईयर स्टार्ट होते ही एक्वायर करे या मिड ईयर में आके एक्वायर कराए. ये सब हमारे सबसे पहले स्टेप में आएगा, क्योंकि हमारे जो स्टेप्स हैं, जो हमारे नेक्स्ट स्टेप हैं, वो हमारे फर्स्ट स्टेप से रिलेट करेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना ग्रुप स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करेंगे, उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट स्टेप पर. नेक्स्ट स्टेप है हमारा एडजस्टमेंट इन नेट एसेट्स ऑफ सब्सिडरीज. जो नेट एसेट्स होती हैं सब्सिडरी की, उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे. कौन कौन सी एडजस्टमेंट हो सकती हैं, अगर एक सब्सिडरीज को आपने मिड ईयर में एक्वायर कराया तो हमें उसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. कैसे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जो उनका प्रॉफिट है उसको डिवाइड करना होगा. किसमें डिवाइड करना होगा, प्री एक्विजिशन पीरियड एंड पोस्ट एक्विजिशन पीरियड. अगर कोई इन ट्रांजेक्शन्स हैं जो पेरेंट और सब्सिडरीज के बीच में हुई है और उनके बीच में अगर कोई पीयूआरपी है, पीयूआरपी क्या है हमारा, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट. तो ये एडजस्टमेंट भी कहाँ पे होगी हमारी, सेकंड स्टेप, मतलब एडजस्टमेंट ऑफ नेट एसेट्स. नेट एसेट मींस कि हम सब्सिडरीज की कितनी नेट एसेट्स को एक्वायर कर रहे हैं, ये हम यहाँ पर ही फाइनलाइज करेंगे. ये हमारा स्टेप किस में यूजफुल होगा, हमारे नेक्स्ट स्टेप में. हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. गुडविल की कैलकुलेशन करनी है. गुडविल की कैलकुलेशन के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स चाहिए, कौन कौन से क्राइटेरिया, कौन कौन से रिक्वायरमेंट हमारी गुडविल से रिलेटेड. सबसे पहले हमें चाहिए फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पेड, फिर हमें चाहिए फेयर वैल्यू ऑफ नॉन करेंट इंटरेस्ट. जब हमारा नॉन करेंट कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का वैल्यू पता होगी, जब हमारी फेयर वैल्यू कंसिडरेशन की वैल्यू पता होगी, तभी हम अपना गुडविल की वैल्यू को क्रिएट कर सकेंगे. गुडविल की वैल्यू क्या होती है, गुडविल क्या होता है, अगर आप सब्सिडरीज को एक्वायर कर रहे हैं तो एक्वायर करने के टाइम पे अगर उसको नेट एसेट से ज्यादा, नेट एसेट की वैल्यू से ज्यादा अमाउंट पे किया है, तो वो जो सरप्लस अमाउंट होगा वो होगा गुडविल का अमाउंट. तो वो गुडविल का अमाउंट कैलकुलेट करना है, क्योंकि गुडविल हमारे लिए क्या होगी, ये हमारे लिए कंसोलिडेशन के लिए, हमारी कंपनी के लिए, पेरेंट कंपनी के लिए एक एसेट होगी जो हमारी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाई जाएगी. जो हमारी सबसे पहले नॉन करेंट आएगी, नॉन करेंट एसेट्स होगा, उसमें सबसे पहले क्या होगा हमारा, गुडविल होगा. गुडविल की कैलकुलेशन के बाद हम कैलकुलेशन करेंगे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट की. नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मतलब एक ऐसी सब्सिडरी जिसके ऊपर हमारा सिर्फ 70%, 80% या मतलब लेस देन 100% अगर एक्वायर किया है, तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो क्या होगा, नॉन कंट्रोलिंग है. एक पार्ट है कंट्रोलिंग, मतलब अगर एक सब्सिडीज को एक्वायर करा उसके सिर्फ 75%
ऑर्डिनरी शेयर से 75% उसका कंट्रोल एक्वायर करा है, तो जो 25% रिमेनिंग है वो क्या है हमारे लिए? नॉन कंट्रोलिंग। तो नॉन कंट्रोलिंग की कैलकुलेशन करनी होगी। नॉन कंट्रोलिंग में क्या क्या होगा? नॉन कंट्रोलिंग की जो वैल्यू है वो निकालना है, और उसके लिए जो प्रॉफिट है, जो सब्सिडीज का प्रॉफिट है जो उनको डिवोट होता है, वो कैलकुलेट करना है, और इनकी वैल्यू कैलकुलेट करके ये क्या एक बन जाएगी हमारी, ये एक तरीके से हमारी लायबिलिटी बन जाएगी। इसके बाद हम अपना कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट स्टेप, कैलकुलेट ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स। इसके बाद हम कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स को कैलकुलेट करेंगे। इसमें क्या आएगा? पेरेंट्स की पूरे ईयर की रिटेन्ड अर्निंग्स वो आएगी। उसके बाद और क्या होगा? हमारा जो सब्सिडीज का प्रॉफिट है वो हमारे रिटेन्ड अर्निंग में आएगा। रिटेन्ड अर्निंग में मतलब ग्रुप का प्रॉफिट। ग्रुप का प्रॉफिट में क्या क्या इन्वॉल्व होगा? पेरेंट का प्रॉफिट इन्वॉल्व होगा और सब्सिडीज का प्रॉफिट इन्वॉल्व होगा। लेकिन सब्सिडीज का कितना प्रॉफिट इन्वॉल्व होगा वो हम इस स्टेप में, इस कैलकुलेशन में पता करेंगे, और उसी से हमारा सही करेक्ट अमाउंट आने वाला है। इसके साथ हमारे कंसोलिडेशन का पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें सिर्फ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्रिएट करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन सी? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर मैकेनिक्स ऑफ कंसोलिडेशंस। आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड इफ यू वॉन्ट टू कीप वॉचिंग सच वीडियोज देन प्लीज सब्सक्राइब FinTram YouTube चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकन, सो व्हेनेवर यू पोस्ट एनी वीडियोज यू विल बी द फर्स्ट पर्सन टू गेट इट। विद दिस आई एम हर्षन साइनिंग ऑफ नाउ।